दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता देता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और एक गुड न्यूज़ मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट में या बीच में, जो भी मैं आपको गुड न्यूज़ जरूर दूंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें बिना स्किप किए, ताकि आपको गुड न्यूज़ मिल सके और आप सारी चीज़ को जान सकें। तो सबसे पहले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है, सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है वो जो नए आमिर बने हैं कुवैत के, उनकी तरफ से। और उन्होंने कहा है, शेख सब नवाफ ने कहा है, शेख सबा जो आमिर ख़त्म हो चुके हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की है, और जो भी उनका काम काज था उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ किया। अब उन्होंने जो नए शेख सबा बने हैं, उन्होंने जताया है कि जितना हो सकेगा कुवैत को हम आगे लेके जाएंगे और इसको जो है आगे ले कामकाज भी बढ़ाएंगे और इसको काफ़ी ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है 14 तारीख को जो है एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें मीटिंग में डिसीजन लिया जाएगा। जितने एमपी जितने भी एमएलए वगैरह जो भी अलग अलग जो अधिकारी हैं, वो सारे 14 तारीख को आने वाले हैं, इकट्ठा होने वाले हैं एक जगह पर। जो मीटिंग होगी उसमें अजनबियों के हवाले से भी उसमें बात चलेगी। जो बिल वगैरह पास किया गया था वाहन निकालने वगैरह का, कितने किस कंट्री के लोग रहेंगे, कितने किस कंट्री के नहीं रहेंगे, तो सभी लोगों के बारे में इसमें काफ़ी बड़ी बात होने वाली है। 14 तारीख तक इंतज़ार कीजिएगा। इस बिल में क्या आता है नया, क्या नहीं आता है, वो सारे डिटेल्स आपको शेयर की जाएगी। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है सिविल आईडी के हवाले से, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, जो आपका सिविल आईडी है अगर आपका बन चुका है तो वो आपको होम डिलीवरी किया जाएगा, लेकिन उसका जो चार्ज था वो डिलीवरी का वो नहीं बताया गया था, लेकिन उसको अब खुलासा कर दिया गया है और अपडेट आ गई है। 2 KD का आपका चार्ज लगेगा। अगर आपका सिविल आईडी आप अपने एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं तो आपको 2 KD देने पड़ेंगे और आपका सिविल आईडी आपके एड्रेस पर आ जाएगा। अब उससे रिलेटेड एक जो दो चार भाई बंधु ने कमेंट, अभी हम जो हैं इंडिया या पाकिस्तान के अंदर हैं तो हमारा सिविल आईडी कौन से एड्रेस पर जो है डिलीवरी किया जाएगा, कहाँ पे भेजा जाएगा, हम वहाँ उसको कैसे मंगवा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अपना सिविल आईडी मंगवाना है तो आपका जो सिविल आईडी है, जो आपने सिविल आईडी पे एड्रेस पढ़वाया होगा उस एड्रेस पे जाएगा, और वहाँ पे कोई भी अगर रिसीव करने वाला बंदा पाया गया तो वो रिसीव कर लेगा, 2 KD उसको दे देगा। लेकिन अदरवाइज नहीं पाया गया तो उनका सिविल आईडी आपका जो है उसके पास में रहेगा जब तक आप नहीं रिसीव करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट थी। अगर आप इंडिया के अंदर हैं कहीं पर भी हैं तो आप अपना सिविल आईडी अभी वहाँ पे रहने दीजिए, वहाँ पे जाने के बाद में आप अपना सिविल आईडी रिसीव कर सकते हैं, और वो आपका जो है मोबाइल एप्लीकेशन में सारी डिटेल्स डालने के बाद में आपका सिविल आईडी वो वैलिड हो जाएगा। आप उसको जो है एयरपोर्ट पे दिखाने के बाद में एंट्री कर सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। आप बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है डोमेस्टिक वर्कर को लेकर आ रही है, और डोमेस्टिक वर्कर को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। सितंबर के महीने में 504 कंप्लेनें दर्ज की गई थी, जिसमें 132 कंप्लेनों को जो है बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, सोल्यूशन निकाल दिया गया है, और उन लोगों को जो है सैलरी भी मिल चुकी है। तो बाकी अभी बाकी हैं, इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो इंशाल्लाह मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा आपको। अब पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया था खुशखबरी, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो खुशखबरी ये है, फ्लाइट के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, जो कि इंडिया से फ्लाइट शुरू हो गई है। कहाँ के लिए शुरू हुई है, कहाँ के लिए शुरू नहीं हुई है, वो वीडियो मैंने अलग बना रखा है, उसका लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा चैनल है, आप उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और जैसे ही डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे लिंक आपको मिल जाएगा, उस चैनल पर आप जाकर उस वीडियो को देखिए। फ्लाइट के हवाले से काफी बड़ी अपडेट है और आप लोगों के लिए ये काफी ज्यादा खुशखबरी है। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जाकर उस चैनल पर विजिट करें और उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।